तो साथियों, सुबह हो चुकी है और हम बस विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं। रास्ते के लिए अभी आरती और पूजा हो चुकी है। ट्रेन पर ही हम निकले हैं और आप देख रहे हैं हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सूरज देखने को मिल रहा है हमें। मेरे साथ सुनील चाचा भी बैठे हुए हैं। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागी। तो हम अभी पहुंच गए हैं विजयवाड़ा। नाश्ता के लिए हम यहाँ उतरे हुए हैं। आगे हमारे जो दूसरे कोच में लोग हैं उनके पास हम अभी जा रहे हैं। वहाँ पे नाश्ता मिलेगा। ये करने के लिए हम विजयवाड़ा में रुके हुए हैं। पहुँचते हैं वहाँ पे। हम फिर से वापस यात्रा में निकल पड़े हैं। विजयवाड़ा का दृश्य अब देख रहे हैं। ट्रेन का सफ़र का भी एक अपना अलग मज़ा होता है। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को ट्रेन का सफ़र कैसा लगता है और कुछ स्पेशल आपकी जो यात्राएं होगी ज़रूर शेयर करें। हम जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं निजामुद्दीन से कन्याकुमारी तक, ये एक्सप्रेस का नाम है थिरुकुरल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये आप पीछे देख रहे हैं। और इस ट्रेन की कहानी भी बहुत ही गजब है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। और अभी हम यहाँ रुके हुए हैं चेन्नई एगमोर करके जगह, यहाँ से अभी गाड़ी आगे चलेगी। अभी गुडूर हमने रेलवे स्टेशन क्रॉस किया था और अभी 3:30-4 बज रहे हैं अभी। तो ये स्टॉपेज है, थोड़ा लंबे समय तक रुकता है नॉर्मल जो हम देखते हैं उससे। और कल हम पहुंचेंगे कन्याकुमारी। तो हमारी जर्नी अभी चल रही है, रात आज फिर हम स्पेंड करेंगे। तो आगे हम इसकी कहानी सुनते हैं, चलिए। अभी ये त्रिकुल एक्सप्रेस जो है ये भी अपने आप में एक अद्भुत एक्सप्रेस है। और मेरा मानना है कि इस तरह की जो ट्रेन है वो इंडिया में दूसरी नहीं है, भारत में दूसरी नहीं है। क्योंकि इसका नाम वास्तव में त्रिकुल नहीं, तिरुकुलम है। और तिरुवल्लुर जो है, थोड़ा मेरे केरल की भाषा मेरी नहीं है इसलिए प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगी। तिरुवल्लुर एक बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने तिरुकल्लुर नाम से एक जो है किताब लिखी थी। और वो किताब कम से कम 2500 साल पहले करीब वो किताब लिखी थी। और ये मानना पड़ेगा कि बाइबल, कुरान, गीता के बाद में ये अकेले एक किताब है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब के नाम पर ही ऐसी एक्सप्रेस है। और हम ये देखते हैं कि किसी किताब के नाम पर और किसी ट्रेन का नाम रख लेना ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गाड़ी से, ऐतिहासिक ट्रेन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और ट्रेन आ चुकी है, बिफोर टाइम ट्रेन आ चुकी है। हमारा राइट टाइम होता है 4:50, राइट टाइम से 1 घंटे पहले आ गई है लगभग ट्रेन। और अभी हम सब उतर गए हैं, आप देख रहे हैं पीछे। और अब हम स्टेशन से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे बस खड़ी हुई है, अभी सब सवार होकर जाने वाले हैं। तो साथियों, हम कन्याकुमारी आ चुके हैं सुबह। और अभी हम समुद्र के किनारे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे। ये समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ हैं और अभी हम थोड़ी देर पश्चात स्नान करने जाने वाले हैं। यहाँ नहीं, एक अलग जगह। अभी हम स्वामी विवेकानंद केंद्र में रुके हुए हैं सभी, और यहाँ नहाना मना है। तो हम पास में ही 2 किलोमीटर एक जगह है, वहाँ स्नान के लिए जाएंगे समुद्र में। तो आज का ये व्लॉग तो आगे रहेगा, लेकिन इस व्लॉग में हम अभी अलविदा लेते हैं। और आगे के व्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आपसे जल्दी मिलेंगे।